ओम शांति। 14/9/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम सभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है, यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न: हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर: मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह सुख दुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान: बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते, वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन: संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान को बाबा कभी ना।